तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ हाउ टू ड्रॉ वन गर्ल विद अम्ब्रेला इन रेनी सीजन। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नीड दिस रेड कलर, एक्रेलिक कलर वी आर यूजिंग, ब्लैक कलर, वाइट कलर एंड दिस कैनवास 10x12। This brush, also, and so without wasting much time, let's get started. और हाँ, मैं बताना भूल गई कि पिंक कलर भी है। सिंपल पेंसिल एंड वन स्केल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक वन गर्ल with umbrella. So we have to first make umbrella. Then we have to don't make face, we have to just make the back frock only and legs हमें लंबे बनाने हैं। मैं बाद में legs को सही करूँगी, अभी तो मैंने सही नहीं किया है। और मेरे को real time में ये बनाने में 1.5 hours लगा था, इसमें मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। अगर आप इसको स्लो में देखना चाहें तो आप 3 dots पे क्लिक कीजिए एंड वहाँ पे स्पीड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे कम कर लीजिए। सो अब हम सेकंड साइड के ट्रीज बना रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने पीछे अखबार क्यों यूज़ किया है, मैंने टेबल क्यों नहीं किए। जब हम कलर करेंगे तो टेबल पे सारा एक्रेलिक कलर थोड़ा बहुत आएगा और एक्रेलिक कलर चिपक जाता है, फिर वो हटता नहीं है, इसलिए मैंने किया। और जब आप ये ड्राइंग बनाएं तो आप थोड़े पुराने कपड़े पहनना, ताकि अगर आपके कपड़े ख़राब हो जाएँ तो आपको अफसोस ना हो, क्योंकि कपड़े ख़राब भी हो सकते हैं। सो यू कैन सी हाउ आई एम आउटलाइनिंग। नाउ आई एम डूइंग रेड कलर इन अम्ब्रेला। और अब मैं इसके अंदर ब्लैक आउटलाइन भी करने वाली हूँ। प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो हाउ यू लाइक दिस वीडियो एंड ड्राइंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो अब मैं इनकी जो वो ट्रंक है उस पे मैं ब्राउन कलर कर रही हूँ, और एक ट्रंक मेरी हो चुकी है, अब मैं दूसरी कर रही हूँ। और अब ये वाली भी मेरी कंप्लीट हो गई है, और अब मैं थर्ड वाली कर रही हूँ।
थर्ड वाली मैंने थोड़ी बड़ी बनाई है क्योंकि वो हम पास से देख रहे हैं, और जो हमने लास्ट वाली बनाई है अम्ब्रेला के पास, वो मैंने छोटी इसलिए बनाई है क्योंकि वो थोड़ा दूर है हमारे व्यू से, इसलिए। और अगर आपको वीडियो में जो मैंने पहले पेंसिल से आउटलाइन बनाई थी अगर वो आपको समझ में नहीं आई, वो कुछ ज़्यादा ही लाइट थी, तो मैं नीचे लिंक दे दूँगी ये रेफरेंस फ़ोटोग्राफ की, सॉरी रेफरेंस नहीं, मेरी फ़ोटोग्राफ की है ना, तो आप उसके में से बना लीजिएगा आपको आउटलाइन बनानी है जो, ठीक है। सो अब मैं ये ट्रंक कलर कर रही हूँ दूसरी साइड की, तो आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ ट्रंक कलर। और आपको ये बहुत पेशेंसली करनी है, ये नहीं इस जल्दीबाजी में कुछ भी कर दिया। और ये जो पतले पतले कलर्स, सॉरी ब्रश से जो स्ट्रोक मारने, वो भी आपको काफ़ी ध्यान से मारने कि बाहर ना निकले, कुछ ना होए। अगर निकल भी जाता है तो वाइट कलर से उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे बना रही हूँ। और अब मेरी ये वाली भी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम तीसरी बना रहे हैं, थर्ड। अब मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ, फ्लावर्स, सॉरी रेड लीव्स को बनाने के लिए। और इसके लिए आपको थोड़ा पुराना बेकार ब्रश चाहिए होगा, और थोड़ा राउंड और मोटा वाला, राउंड ब्रश मोटा वाला होता है ना, वो वाला चाहिए, पुराना होना चाहिए, नया मत बेकार करना। उसको क्या है, आपको फेविकॉल लेना है और थोड़ा सा उसके ऊपर करना है, और उसको ना जोर जोर से नीचे कहीं पे भी पेपर वगैरह पे टैप 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 करना है, ठीक है। और फिर ये आपका रेडी हो जाएगा ब्रश, और तब करना है। और अब मैंने इसके ऊपर किया है वाइट कलर, आप चाहें तो सीधे आप पिंक भी कर सकते हैं। वैसे ये पिंक का टच दिया है मैंने, मेरे को सीधा पिंक नहीं करना था, सीधा पिंक तो मेरे पास था, लेकिन मेरे को ऐसे करना था, इससे थोड़ी सी शो आ रही है और इससे शेडिंग भी काफ़ी अच्छी हो रही है, तो हाँ। और मैंने नीचे भी इसलिए दिखाया है क्योंकि यहाँ पे वो हो रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, ये ऑटम सीज़न चल रहा है और नीचे गिर रहे हैं, बारिश कभी कभी आ जाती है ऑटम सीज़न में कभी कभी, तो हाँ। ये अम्ब्रेला लेके जा रही है ये लड़की, कहीं घूमने, दूर 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 घूमने जा रही है कहीं। और ये मैं रिफ्लेक्शन बना रही हूँ स्काई का, और अब मैं इस लड़की का ब्लैक शेडो का रिफ्लेक्शन बना रही हूँ, और अब मैं इसके छाते का रिफ्लेक्शन बना रही हूँ क्योंकि नीचे वाटर है तो वाटर रिफ्लेक्ट करता है। और ये मेरी ड्राइंग बन के रेडी है, आप देख सकते हैं पूरी। सो बाय गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा। और अगली बार से अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी स्लो मो में चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं बना दूँगी। सो बाय गाइस।